तो हेलो गाइस, स्वागत है गेम फाइव की वीडियो में। आज भी हम खेलने जा रहे हैं F1 2021 माय टीम का रिमोट। और हम आ चुके हैं यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्री, यानी कि कौन सा ट्रैक था, मैं भूल जाता हूँ यार, मैं भूल गया यार इस ट्रैक का नाम। हाँ, ट्रैक का नाम है सर्किट दी अमेरिका। और उससे पहले प्लीज़ तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ कर लो यार, प्लीज़ कर लो। मतलब क्यों नहीं कर रहे हो, दबाओ यार अपने उस लाल पीले नीले बटन को और सब्सक्राइबर बन जाओ इस चैनल के, क्योंकि साथ जुड़ेंगे और साथ फिर मज़े करेंगे। और वैसे भी तुम लोग मेरे कैसे वीडियो देखते हो, बट तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो डेफिनेटली प्लीज़ कर लो यार, कर लो, मेरे लिए कर लो, अपने दोस्त के लिए कर लो, अपने भाई के लिए कर लो। और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ पे चलते हैं। तो अरे मैं फैसिलिटी, मैं हमेशा एक्टिविटीज़ बोल के फैसिलिटीज़ पे चले जाता हूँ। यहाँ पे फ्री टाइम हमारे पास 9 डेज़ है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे पावर डिपार्टमेंट, पहले यहाँ पे एक्शन ट्रेनिंग करते हैं जो कि सिक्योरिटी ड्राइवर को हेल्प करती है। फिर उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रेटजी करते हैं थोड़ा सा, उसका आर्डर ड्राइवर। एंड फिर 4 दिन बचे हमारे पास, तो यहाँ पे एरो टीम बिल्डिंग भी कर सकते हैं, या इसमें से एक ही चीज़ कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पावर इक्विपमेंट अपग्रेड कर लेते हैं, बाकी एक ही दिन बचा तो अब हो नहीं पाया कुछ, बट ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट उसमें कर लेंगे। बाकी हमें फैसिलिटीज कोई कम करना है नहीं। और कौन सा अक्टूबर चल रहा है, ये अक्टूबर ही चल रहा ना, तो अभी तो मेरे ख्याल से मिला नहीं होगा पावर टर्न में, जो कुछ हमें मिलना वाला था 28 अक्टूबर वहाँ पर लिखा हुआ है, बट उसका मतलब मेरे को समझ नहीं है, बट देखते हैं। बाकी यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी में भी अभी कुछ नहीं मिलने वाला है, वैसे भी यहाँ पर अपग्रेड पूरे होने वाले हैं, पहली बात तो ये है, तो मिलने की बात छोड़ो, यहाँ पर अपग्रेड मिलने वाले हैं हमको जो कि हमने पहले दिए हुए थे, ये सब तुम लोग दे सकते हो, तो ये अच्छी बात हमारी टीम के लिए। प्रोग्रेस हिस्ट्री भी देखते हैं, तो प्रोग्रेस हिस्ट्री में यहाँ पे देखें तो गाइज मर्सिडीज़ भी यहाँ पे अब वापस ऊपर आ चुकी है हमसे, क्योंकि हमने काफ़ी देर से प्रोग्रेस नहीं करी, क्योंकि वैसे भी सारे अपग्रेड्स हमारे कंप्लीट हो चुके थे, हम वहीं पर अटक गए हैं। और हमें ड्यूरेबिलिटी की इस बार मिलेंगे तो शायद हम फिर से ऊपर जाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छी बात हमारे लिए। और ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि हमारी व्हीकल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे इंजन में देखें तो कोई ऐसा पार्ट नहीं है जिसको हमें चेंज करना हो, तो डेफिनेटली बहुत ही हमारे लिए अच्छी बात है। तो फिर इसकी इस बात की देरी है, क्योंकि लेट्स को चलते हैं सीधे ट्रैक पे। और ये चैम्पियनशिप बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब वो गरीब होती जाती जा रही है, ये कौन जीतेगा समझ में अभी तक नहीं आने वाला है, और मुझे लगता भी नहीं कि ये लास्ट रेस तक बताएगी भी हमको, क्योंकि इतने सारे कंटेंडेंट्स हैं चैम्पियनशिप के, तो और हम पीछे छोड़ेंगे नहीं, इतना मैं बता रहा हूँ। तो डेफिनेटली इतना आसान हम होने देंगे नहीं किसी और ड्राइवर के लिए, और वो ड्राइवर हमारे लिए आसान होने देंगे नहीं। तो चलते हैं सीधे फिर ट्रैक पे, लेट्स गो। अरे उससे पहले हमें पर्सनल डिपार्टमेंट की मीटिंग के सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन। ओह गाइस, यहाँ पे सिर्फ यही है कि ओकोन यहाँ पे काफ़ी अपना अमाउंट और मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम दे रहे हैं यहाँ पे वर्क के लिए, और किसी वजह से वो थोड़ा सा बर्न आउट हो सकते हैं, मतलब ज़्यादा ही उनका मतलब ओवर हो सकता है, मतलब क्योंकि कुछ ज़्यादा ही काम हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे वही है कि हम उनको थोड़ा सा छुट्टी दे दें, मतलब ऐसे ही मतलब थोड़ा भेजें एक दिन के लिए, ताकि वो थोड़ा हल्के हो जाए, आके होके आ जाए। तो यही वही हमें करना है कि नहीं भेजना है कि नहीं भेजना है, तो डेफिनेटली बिल्कुल भेज देते हैं। और चलते हैं आगे, और यहाँ पे सारे अपग्रेड्स मिलते हुए ड्यूरेबिलिटी के मज़े आएंगे, अच्छी बात है क्योंकि हमारे लिए। ओके, वी हैव द न्यू पार्ट्स कम थ्रू द फैब्रिकेशन प्रोसेस, वी विल हैव देम विद अस फॉर द नेक्स्ट ग्रैंड प्री। और बिल्कुल गाइस, ये कुछ तुम्हें जो ट्रैक दिख रहा है, ये ट्रैक काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मज़ा आता है इस ट्रैक पे, काफ़ी ऐसे जिगजैग टर्न्स हैं, तो काफ़ी मज़ा आता है उन पे, और काफ़ी अच्छा ट्रैक है ओवरटेकिंग के लिए, तो वैसे भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि पिछले लास्ट जो ट्रैक उतने ओवरटेकिंग के लिए अच्छे थे नहीं, बट कोई नहीं, अब की बार आ चुके हैं, और मेरे ख्याल से अब सारे ही ओवरटेकिंग वाले ट्रैक बचे हुए हैं, तो अब बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं, सीधे बात कम करते हैं और काम ज़्यादा करते हैं, तो लेट्स गो गो टू द रेस वीकेंड, लेट्स गो। तो गाइस हम आ चुके हैं कोटा सर्किट पे, यानी कि सर्किट ऑफ द अमेरिकास, एंड यहाँ पे फाइनल टर्न था, यहाँ पे TRS ऑन, यहाँ पे Q1 का लैप स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, एंड पावर ट्रैक पावर कार्स को यहाँ पे सूट करेगा ये ट्रैक, जिसकी अच्छी ज़्यादा अच्छी इंजन पावर होगी डेफिनेटली उनको सूट करेगा, मर्सिडीज़ रेड बुल को हमको भी करना चाहिए, क्योंकि
वैसे, क्योंकि हमारी पावर भी अच्छी है। एंड यहाँ पे क्रॉसेस द लाइन नाउ एंड बट देखते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही सब कुछ नहीं होता है। तो क्योंकि मतलब हमारी कार तो अच्छी खड़ी, बट ये देखना पड़ेगा ना सामने वाली कार कितना अच्छा कर रही, तो डेफिनेटली उस पर डिपेंड करता है। बट यहाँ पे हम Q2 में पहुँच चुके हैं, यहाँ पे एस्टेबल नंबर 4th पे हैं, एक ही टर्न पीछे हैं यहाँ पे फर्स्ट वाले से, बट अभी नहीं, उनको Q3 में इतना पीछे होना चाहिए। तो काफ़ी मज़ा आया, यहाँ पे बादल काफ़ी है यार इस ट्रैक पे, जितना मैं देख रहा हूँ बादल क्लाउडी है पूरा मौसम। बड़ी अच्छी बात है कि बारिश नहीं है, अच्छी बात है या बुरी बात है, क्योंकि हम लोग तो काफ़ी अच्छी जगह आते हैं बारिश में, तो ऐसा कोई खास फर्क पड़ता नहीं है बस बारिश में हमारे लिए। एंड अभी Q2 का लैप स्टार्ट करते हैं, पीछे एस्टेबल नंबर कौन आ रहे हैं जस्ट हमारे। एंड फाइनल टर्न यहाँ पे DRS ऑन क्रॉसेस द लाइन नाउ। एंड यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन से नंबर पे आए हैं Q2 में, ताकि उसे कुछ अंदाजा रह जाए कि Q3 में वो कहाँ तक पहुँच सकते हैं, कितने 10th पीछे हैं यहाँ पे फर्स्ट वाले से। और यहाँ पे 7 नंबर पे आए हैं, 4th 10th पीछे हैं, 5 के आसपास ही मान के चलो। एंड यहाँ पे एस्टेबोनो को पता नहीं क्या है, एस्टेबोनो को में कभी बहुत ही बड़े चलाता, कभी बिल्कुल ऐसा चला कि मतलब समझ में नहीं आता, बट Q3 में वो ऐसे चलाएँ कि बहुत समझ में नहीं आया कि क्या ही चलाई, मतलब मज़ा ही आ जाएगा एकदम देख कि फर्स्ट पे आ जाएँ से, पोल पोजीशन सेकंड पाएँ अपनी और हम दस जाए, नहीं हम पोल पोजीशन पर लग जाएँ और वो सेकंड पर लग जाएँ, क्योंकि हमें ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पोल पोजीशन की, क्योंकि काफ़ी पीछे हम हो चुके हैं चैम्पियनशिप में। एंड काफ़ी भाई ये ऊपर नीचे होता रहता है चैम्पियनशिप में, बट रेस जीतनी पड़ेंगी, अगर चैम्पियनशिप जीतनी है तो सीधी सी बात है। और यहाँ पे बिल्कुल Q3 का लैप अपना स्टार्ट कर चुका हूँ, यहाँ पे बिल्कुल फाइनल टर्न पे भी आ चुके हैं यहाँ पे। एंड DRS ऑन क्रॉसेस द लाइन नाउ, यहाँ पे इतना अच्छा लैप नहीं किया फर्स्ट पे, आप ऐसे 4th नंबर पे आए। एंड अभी सभी का टाइम देखते हैं, सभी ड्राइवर जब टाइम मारा जाए तो क्या आता है यहाँ पे टाइम, कौन सी पोजिशन पर रहेंगे। एंड 9वें पे रहेंगे, 9वें पे वाह वाह 9th 10th पीछे है, मतलब 1 सेकेंड मान के चलो पूरा मैक्स वर्स्टापन से। और इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ एक ही लैप है, तो डेफिनेटली इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे पिट से बाहर निकलते हो यहाँ पे। एंड 1 सेकेंड पूरा इम्प्रूव करना पड़ेगा भाई साहब, ये कुछ ज़्यादा ही बेकार लैप चला गया, बट देखते हैं कितना इम्प्रूवमेंट होती है, आई होप कि अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट हो यहाँ पे। और यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट टर्न्स हैं जो अमेरिका के Sector 1 में, आई थिंक जी हाँ बिल्कुल Sector 1 में हैं। एंड काफ़ी बढ़िया टर्न्स हैं, काफ़ी हाई स्पीड टर्न्स हैं, तो काफ़ी मज़ा आता है जब कार अच्छे तरीके से, अगर आप उस पर टर्न करो, क्योंकि आप वाइड भी जा सकते हो, क्योंकि इतने उस क्योंकि zigzag टर्न हाई स्पीड zigzag टर्न में यही दिक्कत होती है कि आप ज़्यादा मिस्टेक नहीं कर सकते वहाँ पे। बट यहाँ पे क्रॉसेस द लाइन नाउ, एंड क्या इम्प्रूव किया है कि नहीं कर रहा है ये देखना पड़ेगा यहाँ पे Q3 में, क्योंकि Q3 की पोजीशन मैटर करती है, बाकी तो कुछ नहीं करता मैटर। अरे यार 10वें पे ही सिर्फ लगे हैं, बिना क्रैश के भी 10वें पे, और एस्टेबोनो को 8वें पे। ओ तो इतना ये अच्छा क्वालिफाइंग तो मैं नहीं बोलूँगा, तो चलते हैं सगाई सीधे रेस पे। Here we are then in one of the fastest growing cities in the United States, the fabulous Austin in the great state of Texas. The circuit itself, 14 miles southeast of the city center and home to the US Grand Prix since 2012. The latest in a long list of iconic tracks to have that honor. We have 10 turns to the left and 10 to the right here at the fantastic Circuit of the Americas. Overtaking opportunities into turn 1 and 12 at this anti-clockwise 3.6 mile track. And we should see average lap speeds of around 126 miles per hour. Alongside me once again for coverage of today's race, it's none other than the great Anthony Davidson. Let's talk about Singh. That was a solid result in their last race. Can they keep that momentum going this weekend? It's always nice to come into a Grand Prix weekend on a high, but your expectations are based much more on your practice and qualifying runs. So it's the momentum from those sessions that they'll be hoping to carry into the race today. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday, and he starts from pole position. And Lewis Hamilton completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have Bottas, Perez, Lando Norris, and Ricciardo, Singh, Russell, Stroll, and Pierre Gasly, Tsunoda, Latifi, Charles Leclerc and Joe, Sainz, Giovinazzi, Jack Aitken and Esteban Ocon, Raikkonen, Mick Schumacher, Daruvala and Nikita Mazepin. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track.
तो गाइस यहाँ पे हम काफ़ी ड्राइवर्स पेनल्टी की लगने के कारण यहाँ पे लग चुके हैं 7th पे, और यहाँ पे स्ट्रेटजी देखते हैं, यहाँ पे सॉफ्ट हार्ट मीडियम सॉरी डेफिनेटली सॉफ्ट हार्ट ही साथ जाने वाले हम, क्योंकि वो ही अच्छी स्ट्रेटजी होगी यहाँ पे, एंड क्योंकि वन स्टॉप से ही हम आगे रहते हैं, बट पेस के ऊपर भी डिपेंड करना पड़ेगा, पेस के साथ पेस अच्छा है तो डेफिनेटली टू स्टॉप पर जा सकते हैं, मतलब वो फर्स्ट आने के लिए देखना पड़ेगा कि फर्स्ट कैसे आ रहे हैं, बस वो वहीं पे सेलेक्ट करना, अभी तो कोई कन्फर्म तो रहती नहीं है कि स्टार्ट में मैं कन्फर्म कर दूँ, सेफ्टी कार आ जाए तो और चेंज हो जाती है, तो डिपेंड करते हैं यहाँ पे, लेकिन एस्टिमोन के बेचारे ग्रेट मेनेडी के कारण 18वें पे लगे, तो मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है कि वो पॉइंट पे आएंगे, क्योंकि 18वें लगने के बाद मुझे नहीं लगता वो इतना अच्छा चला सकते हैं कि वो पॉइंट्स में आ जाएँ, तो चला भी सकते हैं वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, बट यहाँ पर लाइट्स ऑफ एंड भाई वी को फर्स्ट अपन का एक फिर से अच्छा स्टार्ट, और यहाँ पे बोटास ने यहाँ पे इस बार लुईस हैमिल्टन से काफ़ी अच्छा स्टार्ट किया यहाँ पे, लेकिन आउट इन साइड में होंगे यहाँ पे लुईस हैमिल्टन, तो कि यहाँ पे बोटास यहाँ पे आगे निकल पाएंगे, काफ़ी अच्छी एग्जिट है यहाँ पे बोटास के द्वारा, लेकिन यहाँ पे बोटास से भी एक अच्छा एग्जिट यहाँ पे रितेश का स्टार्ट देखते हैं, यहाँ पे नॉरिस आई थिंक नहीं रिकार्डो का यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टार्ट हुआ, बिल्कुल यहाँ पे रिकार्डो आगे जाते हुए, लेकिन यहाँ पे पीछे देखो तो यहाँ पे एस्टेबान ओकन जस्ट हमारे पीछे आ गए, कुछ ज़्यादा ही बुराई कर रही तो बुरा मान के लगता है, और बिल्कुल वो 9वें नंबर पे आ गए, 18वें सीधे 9वें नंबर पे, वाओ मतलब 10वें पे चलेगा, बट क्या ही स्टार्ट मतलब एस्टिमोन होगा, एक ही मार में 8-7 गाड़ियाँ एक बार में पीछे कर दिए बंदे ने, मतलब क्या ही स्टार्ट किया होगा, मजा ही आ गया भाई स्टार्ट देख के ओकन का, तो क्या ही बात है, मतलब बढ़िया बात है यार हमारे लिए, तो हमारी टीम के लिए बढ़िया, यहाँ पे हमारे आगे चलना है नॉरिस 0.4 सेकेंड आगे, और यहाँ पे कोई एडवांटेज नहीं यहाँ पे पावर वावर का, ऐसे ही है काफ़ी पत ऐसी मतलब पावर है हमारी उल्लू वाली, ये एक रेस में बढ़िया अगली रेस में घटिया, बड़ा सिर्फ टीम का यहाँ पे कुछ मिल सकता है देखते हैं, यहाँ पे हल्की विल्की कुछ नहीं मिल रही है, मिल भी रही है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज को ही मिल रही है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको ही मिल रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे रहते हैं, फिर भी यहाँ पे लेट ब्रेकिंग ट्राई करते हुए इंस्टाइन यहाँ पे रहते हैं, सो बिल्कुल यहाँ पे आगे निकल चुके हैं यहाँ पे नॉलेज से, एंड सिक्स नंबर पे आ गए हैं सिक्स पोजिशन में बिल्कुल, और काफ़ी अच्छा ओवरटेक वहाँ पे, एंड फाइनली 6th नंबर पे रिकार्डो अब यहाँ पे हमसे आ गए हैं 0.5 सेकंड्स, और ये अच्छी बात है क्योंकि हमने उनको नॉरिस को ओवरटेक कर लिया, क्योंकि पहली लैप में आप जितना ओवरटेक कर पाओ उतने अच्छे हैं, क्योंकि आपको उतने कम ओवरटेक करने पड़ेंगे, और यार आपको सिर्फ फर्स्ट पर जाने के लिए आपको सिर्फ 5 कार ही ओवरटेक करनी है, बट इतना ईजी नहीं है 5 कार को ओवरटेक करना, क्योंकि इतना अच्छा पेस मेरे को तो दिखाई नहीं पड़ा अभी तक पहले लैप में रेस का, खासतौर कॉर्नर्स में कॉर्नर स्पीड काफ़ी स्लो है इस ट्रैक पे हमारी, कहीं अच्छी कहीं स्पीड ही कहीं स्ट्रेट लाइन स्पीड घटिया होती है तो कहीं कॉर्नर स्पीड, पता नहीं ये कैसी प्रॉब्लम्स हैं यार, बट यहाँ पे अच्छी थी कॉर्नर स्पीड, क्योंकि वहाँ पे यार हल्का सा लेट ब्रेकिंग वाला वो कॉर्नर है, तो जो लेट ब्रेकिंग वाले कॉर्नर है उसमें काफ़ी अच्छा रहता हूँ मैं, बट जो वैसे हैं मतलब नॉर्मल ब्रेकिंग आपको करनी है तो और एग्जिट अच्छा करना पड़ता तो उसमें थोड़ा सा हम पीछे भी हैं, क्योंकि हमारी कार एक तो लेट एक्सीलरेट करती है बाकी वालों की जल्दी उठाती है कार, मतलब जल्दी अच्छा एग्जिट करते हैं, तो वो लोग एग्जिट के ऊपर बात नहीं है बट एग्जिट हम भी अच्छा करते हैं, बट मैं तुम लोग समझ रहे हो कि कहना चाहता हूँ, मतलब उनका जल्दी एक्सेलरेशन करती है कार, हमारा उतना अच्छी नहीं करती है, बट यहाँ पे फिर भी यहाँ पे तेज दिखाते हुए लेकिन नहीं वहाँ पे फिर भी पीछे नहीं छोड़ पाए, हमें वापस समा चुके हैं रिकार्डो के पीछे, और यहाँ पे हम गिरा नेचुरल स्टेट पे हैं DRS के साथ, क्योंकि DRS ऑन हो चुका है, यहाँ पे फ्री पे न्यू स्ट्रेटजी आती हुई, क्या न्यू स्ट्रेटजी टू स्टॉपर स्ट्रेटजी नहीं चाहिए हमें अभी, तो नहीं चाहिए बिल्कुल, आगे जाके देखेंगे, अभी ला फोकस करने दो हमको रिकार्डो के ऊपर बिल्कुल, क्योंकि इससे बेहतरीन चांस होगा नहीं, क्योंकि हमें अब स्ट्रेट आपको मिलेगा, ओ ये यहाँ पे मिकैनिकल का प्रॉब्लम यहाँ पे रिकार्डो की कार में होती हुई हमारे जेफ जी बताते हुए, एक अच्छी खबर हमारे लिए, बट यहाँ पे पीछे नॉरिस जेट लगे हुए हमारे, बट यहाँ पे इसलिए मतलब हमें जल्द से जल्द रिकार्डो को ओवरटेक कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अब दिखाई पड़ रहा है हमें मैकेनिकल की प्रॉब्लम है यहाँ पे बिल्कुल, अब हम उन कॉलर्स पे भी उनको पीछे कर पा रहे हैं जहाँ पे वो हमसे आगे जा रहे थे, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉब्लम है यहाँ पे रिकार्डो को रिकार्डो की कार में, और यहाँ पे ग्रैंड स्टेट आ चुका है फाइनल टर्न, एंड व्हील टू व्हील साइड में आ चुके हैं बिल्कुल, यहाँ पे तेज दोनों के पास यहाँ पे DRS है, लेकिन यहाँ मैकेनिकल प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे क्या इतनी अच्छी स्ट्रेट लाइन स्पीड है भी, हाँ है बिल्कुल, बट यहाँ पे आउटसाइड में होंगे यहाँ पे तेज, एंड यहाँ पे साइड में यहाँ पे नॉरिस भी, लेकिन यहाँ पे नॉरिस यहाँ पे आगे निकल पाएंगे, और यहाँ पे तेज भी आगे नहीं निकल पाएंगे रिकार्डो से, तो यहाँ पे काफ़ी टाइम ख़राब करते हैं यहाँ पे रिकार्डो हमारा, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली जिस टाइम से पहले काफ़ी क्लोज था यहाँ पे, एक बार का कॉन्टैक्ट भी हो सकता था बट यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं हुआ और बच गए यहाँ पे टर्न 3 पे, वहाँ पे हो सकता था कॉन्टैक्ट, बट यहाँ पे अब हम आने वाले हैं जो लॉन्ग स्ट्रेट है सबसे लंबा जिस पर हम ओवरटेक कर सकते, क्योंकि हमारे पास DRS होगा और बिना DRS के हम कर सकते हैं, DRS ना दिया जाए बट हम क्यों ना लेने DRS, क्योंकि हमें पेरेज के पास ही पहुँचना, तो डेफिनेटली
हमें DRS चाहिए और यहाँ पे काफ़ी अच्छा एग्जिट, ये 3 टर्न पीछे हैं, यहाँ पे DRS ऑन और कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि काफ़ी लंबा स्ट्रेट है जी हाँ बिल्कुल, और बड़ा आराम से हमें पीछे कर दिया जी हाँ बिल्कुल आप लोग देख सकते हो गाइज, और आराम से हमें पीछे करते हैं रिकार्डो को एंड फिफ्थ नंबर पर आ चुके हैं यहाँ पर रितेश एंड यहाँ पे नॉरिस, यहाँ पे आप रिकार्डो को पीछे करने का ट्राई कर रहे हैं बिल्कुल, यहाँ पे काफ़ी आराम से काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पे आगे जाते हुए और रिकार्डो से और यहाँ पे पीछे कर दिया है अपने ही टीम मेट को और आ चुके हैं नॉरिस से 6 नंबर पे एंड यहाँ पे एस्टेमन ओकोन भी यहाँ पे रिकार्डो को पीछे करते हुए, डेफिनेटली आपकी कार में मैकेनिकल प्रॉब्लम हो तो आपकी कार कुछ ऐसी ही चलती है, अच्छी बात है हमारी नहीं चलती है बट मतलब हमारी तो बिना मैकेनिकल की इतनी धीरे चलती है तो मैकेनिकल प्रॉब्लम हो जाएगी तो मैं बाहर ही खड़ी कर दूँगा, मतलब रिटायर भाई मैं रिटायर ही करूँगा जी, तो जिसने ऐसे पूछ दिया कि बट ऐसा होता नहीं क्योंकि हमारी रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छी है कार की, मतलब ओकन की नहीं है बट हमारी कार की है क्योंकि उनके ऊपर अब पेनल्टी लगेंगी तुम देखना क्योंकि लास्ट की वैसे आ चुकी हैं तुम देखना, ये मैं उस समझ में नहीं आता कि टीममेट का हमको क्यों नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं, आई होप कि नेक्स्ट गेम में ऐसा हो। एंड यहाँ पे वर्स्टापन एंड हैमिल्टन पिट में जाते हुए और यहाँ पर पहला जो रिपोर्टास नहीं है क्योंकि यूनिक टीम मेट्स यहाँ पर गए हैं तो डेफिनेटली आपको डबल स्टैक की स्ट्रेटजी यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है यहाँ पर वैसे तो पहले यहाँ पर ओवर स्टेयर होते हुए यहाँ पे रितेश और बट बच गए यहाँ पे स्पिन नहीं हुए बट यहाँ नॉरिस हमारे जस्ट पीछे आ चुके हैं स्टेट से पहले यहाँ पे लॉन्ग स्टेट यहाँ पे कॉन्टैक्ट हुए मेरे ख्याल से हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे देखना पड़ेगा बट यहाँ पे व्हील टू व्हील यहाँ पे रेसिंग करते हैं यहाँ पे DRS किसके पास है यहाँ पे नॉरिस को यहाँ पे DRS मिल चुका है और नॉरिस इस वजह से काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पे आगे जाते हुए यहाँ पे हमसे और यहाँ पे सिर्फ टीम का थोड़ा फ़ायदा उठाना चाहते हैं रितेश, यहाँ पे बॉक्सिंग दिसला यानी कि स्लैब में हम जाएंगे पिट में यहाँ पे आउटसाइड से यहाँ पे रितेश ट्राई करते हैं यहाँ पे इनसाइड में होंगे नॉरिस और काफ़ी अच्छा एग्जिट यहाँ पे रितेश के द्वारा यहाँ पे इनसाइड में यहाँ पे टर्न पड़ेगा रितेश के राइट हैंड साइड में एंड इसलिए यहाँ पे इनसाइड में और अपनी पोजिशन को वापस आ गए अपनी पोजिशन पर थर्ड पे एंड बिल्कुल काफ़ी बढ़िया फाइट वहाँ पे नॉरिस के साथ एंड बट यहाँ फाइनली यहाँ पे पिट में जाते हुए और हार्ड टायर के साथ ही जाएंगे क्योंकि कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ा मेरे को इससे अच्छा कि हम आगे वाली कार को पीछे छोड़ पाएँ तो वन स्टॉप स्ट्रेटजी और यहाँ पर हमसे आगे निकल चुके टायर वायर सही करा के निकल चुका हूँ यहाँ टायर सही कराने तो कि काफ़ी अच्छा नहीं हुआ क्योंकि मैं सोचा था मैं इसलिए पहले जल्दी आया था क्योंकि मैं नेक्स्ट लैप में जाना था वैसे भी तो मैंने इसलिए इस लैप में चुना क्योंकि मैं अंडर कट कर सकूँ बट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि वो भी हमारे साथ में ही आ गए और जिस वजह से हमारा नुकसान हो गया क्योंकि वह 5 सेकंड हमसे आगे निकल चुके हैं 5.5 सेकंड आगे जो कि पहले 3 ही सेकंड आगे थे तो यहाँ पे बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ जल्दी जाने का एक लैप और ये तुम देख सकते हो क्या ही ये टर्न्स है मतलब मज़ा ही आता है इन टर्न्स को देख के बड़े यहाँ पीछे कौन आ रहा है हमारे स्ट्रॉल जी आ रहे हैं यहाँ पे पीछे सॉफ्ट टायर के साथ डेफिनेटली टायर एडवांटेज है कितने तेज होते हैं टायर मेरे ख्याल से 1.8 सेकंड यहाँ पे तेज होते हैं फास्टर टायर होते हैं सॉफ्ट टायर हार्ड से बट यहाँ पे किसी का स्लो डाउन होती हुई हास यहाँ पे है एंड मिक्स शूमाकर की कार है डेफिनेटली यहाँ पे मिक्स शूमाकर बाहर हो चुके हैं मैकेनिकल फेलियर के कारण एंड यहाँ पे बट DRS यहाँ पे स्टॉल के पास इनसाइड में होंगे यहाँ पे स्टॉल एंड फाइनली यहाँ पे ओवरटेक कर लिया यहाँ पे रितेश को यहाँ पे स्टॉल ने बट यहाँ पे रितेश के पीछे हार मारेंगे जी नहीं क्योंकि उनके पास भी अब वो बिल्कुल उनका DRS रेंज में है स्टॉल की तो डेफिनेटली उनके पास भी DRS होगा एंड यहाँ पे हम आ चुके हैं 10-11 यानी कि स्ट्रेट यहाँ पे स्टार्ट हो गया और यहाँ पे DRS मिल चुका है बट यहाँ पे 0.8 सेकंड पीछे हैं और इतना फास्ट टायर नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ देखना पड़ेगा कि पीछे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे स्टेट पे क्योंकि काफ़ी लंबा स्टेट है बट क्या इतना लंबा है कि 0.8 सेकंड वाले को हम ओवरटेक कर पाएँ जी नहीं लेकिन अभी बिल्कुल यहाँ पे ट्राई करते हो यहाँ पे आउटसाइड से लेकिन इतना अच्छा एग्जिट नहीं और इतनी अच्छी लाइन भी नहीं है वो क्योंकि इनसाइड में थे काफ़ी अच्छी लाइन में थे स्टॉल तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉल अभी भी आ गया है रिश्ते रिश्ते से बट वापस यहाँ पे स्टेट पर आ चुके हैं और इस बार काफ़ी अच्छा डिस्टेंस है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 0.5 सेकंड पीछे यहाँ पे स्टॉल से और यहाँ पे DRS मिल चुका है एंड ओवरटेकिंग बटन तो उनका दबा ही रहता है मैं देखता हूँ लगभग वो दबाना पड़ता है यार ऐसे बिल्कुल ही फिर तो एक्सीलरेशन नहीं आएगा हमारी कार का एंड यहाँ पे फाइनली लेट ब्रेकिंग एंड इनसाइड लाइन एंड फाइनली यहाँ पे फिर से पीछे छोड़ दिया यहाँ पे स्टॉल को और फिर से हम आ चुके हैं 5th नंबर पे बट स्टॉल भी ये डेफिनेटली पीछे जो का पीछे आ रही है उसको फिर से एडवांटेज मिला 16 की वजह से मैं कर से तो डेफिनेटली यहाँ पे आगे पीछे होते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फिर से हम स्टेट पर आ चुके हैं और इस बार स्टॉल हमारे फिर से पीछे हैं DRS के साथ तो मुझे लगता है वो फिर से हमें पीछे छोड़ देंगे यहाँ पे जिग जैग यानी कि टॉप ब्रेक करने की कोशिश करते हैं रितेश लेकिन काफ़ी लंबा स्टेट है और इन साइड लाइन में होंगे यहाँ पे
स्टॉल, लेकिन यहाँ पर काफ़ी लेट ब्रेक, बट काफ़ी लेट ब्रेक के कारण यहाँ वाइड जाते हुए रहते हैं और बिल्कुल उसके कारण कोई चांस नहीं यहाँ पे रेस के पास। और फिर से यहाँ पे स्टॉल निकल चुके हैं हमसे आगे। वाओ क्या ही फाइट होती है यहाँ पे स्टॉल के साथ हमारी, बट हमें स्टॉल के साथ फाइट करनी थी, ये हमारा चैलेंज था, ये हमारा टारगेट था, मेरे को स्टॉपन हमारा टारगेट थे, बट कोई नहीं। अब स्ट्रेटजी हमने वन स्टॉप लगाई है तो डेफिनेटली आप ऐसे ही आपको लड़ते रहना है, क्योंकि ये लोग अभी दोबारा जाएंगे पिट में, तो उसके बाद यहाँ पे हमारा काम शुरू होगा। जब तक तो कोशिश ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें जब हम पीछे हो रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम उनसे टाइम लॉस कर रहे हैं स्टॉल से, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि काफ़ी एडवांटेज मिल रहा है पीछे वाले कार को, मेरे ख्याल से लिफ्टिंग की वजह से फॉलो कर पा रही काफ़ी भी अच्छी तरीके से हम स्टॉल की कार को। डेफिनेटली जैसे स्टॉल हमको कर रहे हैं, यहाँ पे वापस DRS हमारे पास एंड आउटसाइड में होंगे इस बार, लेकिन रितेश और एंड बट पीछे पहले छोड़ दिया था यहाँ पे आउटसाइड में होने से पहले ही, और फिर से यहाँ पे ओवरटेक कर लिया यहाँ पे स्टॉल को। फिर से एक लैप में स्टॉल हमको ओवरटेक करते हैं, फिर से हम उनको ओवरटेक करते हैं, यहाँ फिर से स्टॉल आते हुए फिर से यहाँ पे इनसाइड में होंगे, लेकिन इस बार स्ट्रेट से पहले ही यहाँ पे आगे निकल चुके हैं यहाँ पे स्टॉल, और बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट यहाँ पे ओवरटेकिंग यहाँ पे 10-11 पे, क्या ही लेट ब्रेकिंग वहाँ पे स्टॉल के द्वारा, और DRS भी ले गए यहाँ पे चुरा के हमसे, क्या ही बात है लोंडे, क्या ही मतलब ये तो काफ़ी अच्छा स्ट्रेटजी था यार, पहले मतलब स्ट्रेटजी नहीं थे, काफ़ी अच्छा मूव वहाँ पे 10-11 पर, और उनके पास DRS है, बट यहाँ पे लॉकअप मारते हैं यहाँ पे स्टॉल और इनसाइड लाइन और यहाँ पे ओवरटेक कर लिया यहाँ पे स्टॉल को वापस यहाँ पे देश में, क्या ही रेसिंग होती हुई यहाँ पे, बढ़िया रेसिंग एकदम, और मज़ा आता हो देखने में यहाँ पे रसल जैसे दोनों अल्फिन हमारे पीछे हैं, और रसल से मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, बट स्टॉल दिखा रहे हैं कि बेटे मुझे रसल से कम मत समझे तुम, मैं रसल को पीछे छोड़ दूँ मैं तुम क्या बड़ी बात हो, क्योंकि ऐसे ओवरटेक कर रहे हैं यार वो 10-11 वाला, क्या ही बेहतरीन ओवरटेक था यार। बट यहाँ पे वापस ग्रैंड स्टेट पे हम, और यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे वापस यहाँ पे स्टॉल आते हुए डेफिनेटली इनसाइड में होंगे, यहाँ पे काफ़ी लंबा टर्न है, हेयर पिन मान लो इस तरीके से, हाँ हेयर पिन ही है, हेयर पिन मान कह लो, और बट यहाँ पे नहीं कर पाया ओवरटेक इनसाइड में होने के बावजूद, बट हम फिर से यहाँ पे स्ट्रेट आते हुए, क्या दिक्कत है, यहाँ पे 10-11 वापस आ चुका है, ये भी एक हेयर पिन है, और यहाँ पे बिल्कुल जस्ट फिर से यहाँ पे उनको ओवरटेक बोल रहा हूँ, DRS मिल जाए जिसके से हम यहाँ ओवरटेक कर पाएंगे, यहाँ पे बिल्कुल टॉप ब्रेक करने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से यहाँ पे उनके पास DRS और फिर से यहाँ पे आगे आते हुए, लेकिन इनसाइड में इस बार रितेश, तो यहाँ पे क्या चांस हो सकता है रितेश के पास आगे आने का, जी हाँ बिल्कुल यहाँ पे वापस रितेश ने अपना कुछ बार डिफेंड कर लिया एंड इस बार पिट में चले गए स्टॉल एंड हैमिल्टन एंड वर्स्टापन भी, और पीछे यहाँ पे रितेश आते हुए क्या यहाँ पे वर्स्टापन और हैमिल्टन के पीछे छोड़ पाएंगे, यहाँ पे हैमिल्टन के यहाँ पे बिल्कुल साइड में आकर काफ़ी वाइड गए यहाँ पे रितेश, जिसके कारण से बड़े व्हील टू व्हील रेसिंग इन साइड में होंगे यहाँ पे रितेश, लेकिन नहीं यहाँ पे काफ़ी नए टायर्स एंड काफ़ी अच्छी ग्रिप होने के कारण यहाँ पे हैमिल्टन आगे हैं हमसे अभी भी और रहेंगे, क्योंकि अब न्यू टायर्स हैं उनके पास, डेफिनेटली पुराने टायर्स और हार्ड टायर्स के साथ तो कोई चांस ही नहीं है कि हम पीछे छोड़ दें, क्योंकि मीडियम टायर्स उनके पास वैसे ही वो मर्सिडीज है, कोई अल्फा रोमियो या हास नहीं है जिसको हम ऐसे पीछे छोड़ दें, और हास को अगले सीजन छोड़ना मुश्किल होगा पीछे, जैसे कि मैं बोल देता हूँ एक बार हास नहीं है अगले पीछे सीजन में, हास बताइए कि बेटा तो अब मेरे को पीछे छोड़ के बता, बट यहाँ पर बोटास को हमने पीछे छोड़ दिया है, और ये हमारे लिए अच्छी बात है, पीछे यहाँ पर बोटास और पैरस हमसे पीछे हैं तो ये अच्छी बात है, बट किसी देर के लिए क्योंकि हमारे जस्ट पीछे ही हैं बोटास, और यहाँ पर ओवरटेकिंग का ट्राई कर रहे हैं 10-11 पे एंड यहाँ पे देख सकते हो बिना DRS के यहाँ पे इतना अच्छा एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि नए टायर से डेफिनेटली न्यू ग्रिप अच्छी ग्रिप आती हुई यहाँ पे, और DRS यहाँ पे उनके पास, और यहाँ पे बिल्कुल डिफेंड करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे बोटास, और यहाँ पे इनसाइड में आगे यहाँ पे रहते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इनसाइड में, तो मतलब बिल्कुल टर्न करने की उनको जगह ही नहीं मिली और बिल्कुल वो वाइड चले गए, जिसकी वजह से बोटास आ चुके हैं थर्ड पे एंड अब इनको पीछे छोड़ना पता नहीं कैसा आता है यहाँ पे, हम देखते हैं कितना फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे DRS तक उनको, क्योंकि डेफिनेटली उनके पास एडवांटेज है न्यू टायर्स की और मर्सिडीज इंजन की, बट यहाँ पे एक मर्सिडीज की कार स्लो होती है, कौन सी मर्सिडीज है, किसकी कार है भाई, आई थिंक लुईस हैमिल्टन जी हाँ, यहाँ पे लुईस हैमिल्टन मार चुके हैं फिर से गाइस, और यहाँ पे नॉरिस यहाँ पे एस्टेबन ओकन के पीछे है DRS के साथ वो भी, और एस्टेबन ओकन के यहाँ पे बड़े आराम से, जी हाँ बिल्कुल यहाँ पे बड़े आराम से पीछे करते हुए, कोई दिक्कत का सामना नहीं करते वहाँ पे नॉरिस, और पीछे करते हैं यहाँ पे एस्टेबन ओकन को, बट यहाँ पे फाइनली यहाँ पे बाहर चुके हैं एक और बार में कैसे लुईस हैमिल्टन, और उनके लिए चैंपियनशिप अच्छी नहीं रही है, और मैं कैसे वो बाहर भी हो चुके हैं चैंपियनशिप, भले यहाँ 3-4-5 रेसें बाकी हैं बट बहुत पीछे हैं वो पॉइंट में, मेरे कैसे 100 पॉइंट पीछे हैं कम से कम, तो इतना तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि हम बेवकूफ़ नहीं कि यहाँ पे 3-4 ड्राइवर ऐसे ही लॉस कर दें, बट यहाँ पे एस्टेबन बोल रहा हूँ
रितेश को यहाँ पे पीछे कर दो, यहाँ पे सजू पेरेज एंड यहाँ पे इनसाइड लाइन क्या ही वहाँ पे बाद में कवर करिए और उसके बाद वापस यहाँ पे अपने आपको डिफेंस कर लिया। बट यहाँ पे वाइड जाते हुए, यहाँ पे वाइड जाते हुए यहाँ पे अंडर प्रेशर यहाँ पे डेफिनेटली दिखता हुआ यहाँ पे रितेश के ऊपर और यहाँ पे टर्न डाउन पे हम वापस आ चुके हैं। बिल्कुल अंडर प्रेशर बना के रखा हुआ यहाँ पे सजू पेरेज ने और सजू पेरेज क्या ही डिफेंड करते हैं, बट वहाँ ओवरटेकिंग वो कमाल की करते हैं। सिर्फ डिफेंड के लिए नहीं, वो ओवरटेकिंग के लिए जाने जाते हैं क्योंकि अभी तुम लोग देखना यहाँ पे कितनी अच्छी ओवरटेकिंग करेंगे वहाँ पे हमको। और ये देखिए जिग जग करते हैं यहाँ पे रितेश, बट यहाँ पे फाइनली फिर से यहाँ पे एस्टेबन ओकोन क्यों निकल रहा है मेरे मुँह से पता नहीं, कुछ ज़्यादा ही याद आ रही है मेरे को ओकोन की कि कहाँ पे हो भाई साहब, आपकी ज़रूरत हमको। और यहाँ पे फिर से यहाँ पे अपने आप को आगे लाने में एक डाइव बॉम्ब मारा जिसकी वजह से मेगास कॉन्टैक्ट हुआ है कार में पैरस की और वहाँ पे मेगास फ्रंट विंग तुम्हें पता ही है यहाँ पे कॉन्टैक्ट तुम्हें इतना सा हो या बिल्कुल टक्कर जाके मार दो वो जाएगी कार पेट में बिल्कुल चली भी गई यहाँ पे पेट में। नॉरिस और यहाँ पे सेंज यहाँ पे सॉरी रिकार्डो एंड सेंज यहाँ पे फाइट करते हुए एंड यहाँ पे सेंज ने यहाँ पे अपने आप को बचा दिया क्योंकि यहाँ पे रिकार्डो पीछे करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे सेंज को, तो ऐसा नहीं है कि सेंज ने वहाँ पे ओवरटेक कर लिया। बट यहाँ पे ज्ञानो जो यहाँ पे आप कुछ ज़्यादा ही लैप कार रहे हैं, आप लैप कार की तरह रहे यहाँ पे, आप काफ़ी क्लोज आ गए थे हमारे, यहाँ पे टकरा सकते थे। एंड फाइनल लैप यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ गाइज, और ये स्टार्ट होता हुआ बिल्कुल मैंने पहले ही बोल दिया टर्न वन पे टर्न सॉरी फाइनल टर्न पे बोल दिया था। एंड यहाँ पे सर्जो पेरेज तो गाइज जा चुके हैं पिट में क्योंकि यहाँ पे कॉन्टैक्ट हुआ। ये मेरे को काफ़ी अजीब लगता है कि इतना सा भी उसका फ्रंट विंग टूट जाए किसी का भी, इतना सा मत में दिखा तो नहीं सकता, मतलब थोड़ा सा उखड़ जाए और वो बंदा पिट में चला जाता है, ये क्या है, ये कैसी है आई है, इतना थोड़ी फर्क पड़ता है यार, हमारा भी टूटता ऐसा थोड़ी है। बट यहाँ पे मैक्स वर्स्टैपन जीते हुए अमेरिकन ग्रैंड प्री। मेरे ख्याल से लगातार दूसरी या लगातार तीसरी जैसे, और यहाँ पे रितेश से फिनिश करते हुए पोडियम प्लेस पे थर्ड पोजीशन पे, जो कि हमें नहीं चाहिए था, हमें फर्स्ट प्लेस चाहिए था, बट ठीक है जितना पास खत्म कर पाए वर्स्टैपन को उतना ही सही अभी तो। वैसे अरे ड्राइवर एस्टेबन ओकोन कैसे भाई कैसे लेकिन एक मुझे बताया पहले बैठ के 12वें नंबर पर बंदा आया 18वें से और ड्राइवर होल्डर Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? Well, I honestly feel it was down to the driver and car today. I mean, we can talk driver skill all day, but if you don't have a solid team to back that, you're never going to get anywhere. When you hit that sweet spot of having both an excellent driver and an incredible car, that's when you see results like those we witnessed today. Red Bull put up an outstanding fight for the front position today, and it's great to see it paid off for them. They do so much for the sport that you can't help but be delighted by today's race win. यहाँ पर रेस विनर मारा गया, यहाँ पर मैक्स वर्स्टैपन फर्स्ट आया एंड बोटास सेकंड थर्ड पे, रितेश सिंह 12th नंबर पे, वर्स्टैपन को जो ड्राइवर ऑफ द डे हैं वो 12th पे हैं। और यहाँ पे लुईस हैमिल्टन यहाँ पे DNF हुए, यहाँ पे मिक्स शूमाकर भी DNF, और यहाँ पे स्टैंडिंग विनर आया था मैक्स वर्स्टैपन फर्स्ट पे, बोटास यहाँ पे सेकंड पे, थर्ड पे सर्जो पेरेज, फोर्थ पे यहाँ पर रितेश सिंह है जो कि 39 पॉइंट्स पीछे यहाँ पे वर्स्टैपन से। अरे यार इतना पीछे हैं ये तो कुछ ज़्यादा ही मतलब पीछे हैं, देख भाई क्या ही है, मतलब यहाँ पे टीम सुनने मारा तो पहले रेड बुल फर्स्ट पे, मर्सिडीज सेकंड पे, थर्ड पे गेंस ऑफ फायर रेसिंग, फोर्थ पे फरारी, फिफ्थ पे मैकलैरन, सिक्स्थ पे अल्फिन, सेवंथ पे अल्फा थाउरी, ऑस्टन मार्टिन विलियम्स, अल्फा रोमियो हास के पास कोई पॉइंट्स नहीं है अभी तक। और इंटरव्यू देखते हैं गाइस। Do you have any comments about the collisions? Appreciate your time. और इंटरव्यू हो यहाँ पे समाप्त हो रहा है। यहाँ पे राइवलरी ब्रेकडाउन में देखे तो गाइस यहाँ पे न्यू राइवलरी हो गई स्टार्ट क्योंकि पिछली वाली हमने जीत ली थी मैक्स वर्स्टैपन से, बट हमने दोबारा ही मैक्स वर्स्टैपन के पास साथ स्टार्ट कर दिया क्योंकि यही हमारे अब मेन राइवल है क्योंकि इन्हीं के पास अब यही चैंपियनशिप लीड कर रहे हैं, तो यही मेन राइवल हुए। एंड आई होप गाइस तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो गाइस क्योंकि काफ़ी मजा आया वैसे, लेकिन हमारा फर्स्ट आना टारगेट तो हमारा फर्स्ट आना था, बट कोई नहीं
काफ़ी मज़ा आया क्योंकि काफ़ी सारी ओवरटेकिंग थी, काफ़ी सारा फाइट थी अच्छे अच्छे अल्फिन के साथ, अशोक के साथ एंड वर्स्टापन एंड बोटास पेरेज को जिस तरीके से हमने डिफेंड किया काफ़ी मज़ा आया। एंड अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। और चैंपियनशिप में क्या होने वाला वो तो तुम्हें कैसे पता चलेगा फिर, मतलब अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। एंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू इस वीडियो देखने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।